कोई व्यक्ति भविष्यवाणी के बुलावट में विरोध को कैसे संभाल सकता है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाया है, उसका लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाना ना भूलिएगा। विरोध एक बहुत ही साधारण सा हिस्सा है भविष्यवक्ता के सेवकाई में या भविष्यवक्ता के कार्यालय में। जितने भी भविष्यवक्ता थे पुराने नियम में और नए नियम में, वे सब विरोध का सामना किए, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं विरोध का सामना किए। इसलिए मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय का 11 और 12वां वचन में प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है। तो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपसे भी पहले जो भविष्यवक्ताए थे उनको भी लोगों ने सताया, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इस समय में हमें क्या करना है जब हम सताव का सामना करते हैं? तो जब हम सताव का सामना करते हैं तो उस समय में हमें प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के बहुत ही करीब जाना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को खोजना और अपने मन को परमेश्वर के पास रखना, ये बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना के साथ ही साथ आराधना और वचन को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 पत्रस 5:7 में लिखा है, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हम अपनी सारी चिंताएं, दुख और अपना हृदय परमेश्वर के ऊपर लाद देते हैं तो परमेश्वर हमें बल देते हैं, एक सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ, एक अलौकिक बल परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं, ताकि हम जो निराश हो चुके हैं हम एक आशा में प्रवेश कर पाए। जब एक ऐसा कठिन समय आता है कि आप सताव में पड़ जाते हैं आपके भविष्यवाणी के वर और कार्यालय के द्वारा, तब आप दूसरों के पास जाना चाहिए, जो दूसरे विश्वासी भाई बहन हैं, जो आपके प्रधान हैं, उनके पास जाकर उनको आप मदद मांगना जरूरी है, उनको जाकर अपना मन को बताना बहुत जरूरी है। गैलेशियन 6:2 कहता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। कम्युनिटी जो होता है या हमारा जो सर्कल जो होता है, जो आत्मिक सर्कल, इमोशनल बैलेंस लाने में हमारा बहुत ही मदद करता है। इसलिए हमारे करीब में ऐसे आत्मिक दोस्त होना और ऐसे आत्मिक अगुवाइयों का होना जरूरी है, और वो लोगों का भी होना जरूरी है जो हमसे पहले इस राह में चल रहे हैं, क्योंकि उनका अनुभव भी हमें धीरज देता है, क्योंकि जब उनके समय में जब ऐसे सताव आए तो परमेश्वर ने उनको कैसे बाहर निकाला, उन गवाहियों के द्वारा भी हमारे जीवन में बल आता है। बहुत जरूरी विषय, जब सताव का सामना करते हैं हम, तो हमें गुस्सा के साथ उसका सामना नहीं करना है, बल्कि हमें प्रेम और नम्रता के साथ उस सताव का सामना करना है। रोमियों 12:20-21 जब हम देखते हैं, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई का जीत पाओ। हम बुराई का जीत भलाई से, प्रेम से, क्षमा से, दया से और मसीह के अनुग्रह से ही हम इस पर विजय पा सकेंगे। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, वरन हमारा युद्ध अंधकार शक्तियों से है। इसलिए हमें अपना गुस्सा इंसानों पर नहीं निकालना है, बल्कि हमें उन्हें क्षमा करना है और उन्हें प्रेम करना है, और हमें अपने भविष्यवाणी के कार्यालय या वर में आगे बढ़ना है। आखिरी सबसे जरूरी, जब ऐसे परिस्थिति में जब आप सताव सहते हो आपके सेवकाई के कारण, आपके भविष्यवाणी के कारण, तो निरुत्साह नहीं पाना है, हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि नीतिवचन 3:5-6 कहता है, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है, परंतु दुष्ट की युक्तियां छल की है। दुष्ट की बातचीत घात लाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। हिम्मत मत हारिएगा, परमेश्वर जानते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपका सारा परिस्थिति पता है और कौन कौन लोग आपको सता रहे हैं, परमेश्वर ये भी जानते हैं।
ऐसे समयों में हमें एक बात याद रखना है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है, और कभी भी अपने आप पर परमेश्वर पर शक मत कीजिएगा। आपको परमेश्वर ने जो सेवकाई दिया है, जो भविष्यवाणी का वर दिया है, जो भविष्यवाणी का कार्यालय दिया है, उसमें हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाइए।